हुकूमती मोर्चों से अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी जारी हो चुकी है। बदकिस्मती से गुज़िश्ता दौर में वज़ीर ख़ारजा ही नहीं बनाया गया। फ़ैयाज़ुल हसन चौहान की नून लीग पर तनकीद, बोले मामला नवाज शरीफ और भारतीय एस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ लगता है। हमारा लीडर फ्रंट फुट पे आके बोलता नहीं था, लीडर से मिला हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म। जब इंटरनेशनल लेवल की या रीजन लेवल की पॉलिटिक्स होगी तो एक ही लीडर ने रिप्रेजेंट करना होता है ना, वो मुल्क के वज़ीर आज़म ने करना होता है या वो मुल्क का सदर अगर वो होगा। बदकिस्मती से पिछले 5 सालों में इंटेंशनली पाकिस्तान के अंदर वज़ीर ख़ारजा नहीं रखा गया, इंटेंशनली। ये मियां नवाज शरीफ साहब को और मोदी की अंडरस्टैंडिंग थी, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की और मुल्क दुश्मन ताकतों की अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा नहीं होगा। क्यों? कि ताकि वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के इमेज को साफ करने के लिए, अच्छे इमेज को पोर्ट्रेट करने के लिए, नेगेटिव इमेज को साफ करने के लिए कोई किरदार अदा कर सके।